जय हिंद साथियों, कैसे उम्मीद आप सभी अच्छे होंगे। आपकी तैयारी जबरदस्त चले साथियों। आप में से बहुत से अभ्यर्थी बहुत सी मेहनत करके सिलेक्शन तक जाएंगे और एग्ज़ाम में अच्छा खासा स्कोर भी कर लेंगे, लेकिन एक छोटी सी गलती OMR आपको सिलेक्शन से बाहर कर सकती है। कारण क्या है कि बहुत से साथियों को OMR भरना पता नहीं होता है और जिस वजह से वो अगर गलती कर दिए, समझ लीजिए आपकी कॉपी नहीं चेक हुई। ऐसे ऐसे लोग मेरे जानने में पड़े हैं। एक लोग का मेरे जानने में TGT में सिलेक्शन हो गया था, 3-4 क्वेश्चन कट ऑफ से ज़्यादा थे और उन्होंने OMR में क्या गलती की थी, उनका जो सेट था पेपर का वो नहीं भरे थे, उनका डी सेट था, उन्होंने डी पे टिक नहीं किया था, जिस वजह से उनकी कॉपी नहीं चुकी। आप उसके लिए सुप्रीम कोर्ट जाए चाहे जहाँ जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का साफ उस पर आप OMR पे साफ साफ लिखा रहता है कि कोई भी गलती मान्य नहीं होगी। तो उस पर आप चाहे जहाँ खटखटाए दरवाजे, चाहे सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि 2016 के पहले क्या होता था, वाइटनर भी चल जाता था OMR सीट पर, लेकिन 2016 में UP पुलिस की भर्ती जो हुई थी उस पर काफ़ी केसेस हुए, तो उसके बाद से कोर्ट का भी आदेश आ गया तो वाइटनर जो है मान्य, क्योंकि वाइटनर की वजह से काफ़ी जो है नकल वगैरह हो जाती है, क्योंकि लोग जो है वाइटनर लगा लगा के दूसरा ऑप्शन कर देते, तो ऐसे इस वजह से काफ़ी जो है धांधली हो जाती है। लेकिन उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया, कोई भी वाइटनर मान्य नहीं होगा, ना ही दो ऑप्शन। तो मैं आपको बताऊँगा कि आपको कैसे भरना है और OMR में, क्योंकि अगर आप गलती कर देंगे आपको दोबारा OMR नहीं मिलेगा। तो OMR को बहुत सतर्क तरीके से भरना है। OMR में गलती का मतलब समझ लीजिए, फिर आपको सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। तो जैसे जैसे भरना, बिल्कुल ध्यानपूर्वक OMR भरना है आपको, जैसे मैं बताऊंगा। सबसे पहले आपके पास होना चाहिए पेंसिल, अगर पेंसिल एग्ज़ाम सेंटर में अलाउ है तो बहुत बड़ी बात, अगर नहीं है तो फिर पेन आपके पास कोई भी OMR भरने के लिए ब्लू या ब्लैक पेन होना चाहिए आपका। डॉट जेल पेन से नहीं भरना है आपको, डॉट पेन से भरना है। कोई भी आपके पास डॉट पेन हो, जिसको बॉल पेन भी कहते हैं, तो ये पेन आपके पास होने चाहिए, चाहे ब्लू से भरे चाहे ब्लैक से, जिससे आपको कंफर्ट लगे। उसमें ये नहीं लिखा रहता है कि आपको ब्लू से ही भरना है या ब्लैक से, तो जिससे आपको कंफर्ट लगे तो उसी से भरिए। तो OMR भरने के लिए सावधानी पूर्वक ये होता है कि मेरा जो तरीका था, मेरा आज तक कभी कोई भी गलती नहीं हुई OMR में, बेशक एक दो ऑप्शन इधर उधर हो, लेकिन एक दो एग्ज़ाम में मैंने जो प्री दिए हैं उनमें भी मेरे ऑप्शन नहीं गलत। तो कारण क्या, जो जिस तरीके से मैं भरता हूँ, मेरा अपना खुद का तरीका है, आप इस तरीके से भरेंगे आपके एक भी ऑप्शन गलत नहीं। क्योंकि ऑफलाइन में क्या होता है, 3 से 4 क्वेश्चन आपको आते हुए भी आप दूसरे ऑप्शन में भरते थे, 1 का जैसे आपका बी है तो आपने डी भर दिया, गलती से सी भर दिया, उसके बाद आप पछतावा करते हैं कि यार इसमें डी होता, मैंने बी कर दिया। तो ऐसे ऐसे गलती होती है, तो उस गलतियों से कैसे बचा सकता है, क्योंकि OMR भी आपके 5 से 6 नंबर समझ लीजिए बढ़ा सकता है घटा सकता है, क्योंकि अगर आपने सही आपको आ रहा है फिर आप गलती कर दिए तो फिर आपके लिए दिक्कत हो सकती है। तो जैसे मैं बताऊंगा OMR को उसी तरीके से भरिएगा, क्योंकि यही आपका सिलेक्शन एकदम बारीक चीज़ होती है जिसमें आप गलती, और कोशिश करें कि आप OMR प्रैक्टिस के लिए, आप कोई भी अगर आपके पास बुक है नहीं है तो जाके एक ऑनलाइन प्रिंटिंग प्रेस से कोई भी 10-20 रुपये खर्चा करके 2-3 प्रिंटिंग करवा दीजिए, निकलवा लीजिए और घर पे प्रैक्टिस कर लीजिए पहले। जब पहले से प्रैक्टिस कर लेंगे OMR की, तो गलती की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं रहेगी, क्योंकि आपका 10 आपको अंदाज़ा भी लग जाएगा, जैसे आपने ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट दिया उसके बाद आपको OMR भरने में कितना मिनट लग रहा है। और बहुत से जैसे मैं बता रहा हूँ कि आपको, जैसे क्या होता है एग्ज़ाम देने के बाद बहुत से लोग क्या होता है लास्ट में भरते हैं, बहुत से लोग पहले तुरंत भरने लगते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। देखो एग्ज़ाम के आपने एक घंटे, जैसे आपको जो 100% श्योर क्वेश्चन होते हो आपको उसको पहले वही सॉल्व करते हैं जिस पे आप कंफर्म रहते हैं। तो कोशिश करें जब एक घंटे आपने एग्ज़ाम दे दिया और जिस पे आप एकदम बिल्कुल श्योर हैं उन क्वेश्चनों को आप फिल कर दीजिए, बाकी फिर आइए जो आपको थोड़ा घुमावदार क्वेश्चन उसको सॉल्व करिए। उसके बाद लास्ट के जब 15 मिनट बचते हैं तो सब कुछ साइड में रख दीजिए, वो OMR उठाइए, जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन उनको भरिए, फिर आपको अगर तुक्का वाले कुछ हैं तो उसको लास्ट में भरिए। सबसे पहले जो क्वेश्चन आपके 101% श्योर रहते हैं उनको पहले घंटे सॉल्व करके, पहले घंटे जैसे आपका बीतता है तो आपको तुरंत भर देना है। फिर बचे हुए आपके जो बचते 40-50 मिनट उसमें आपने जो सॉल्व करना है, तो लास्ट के 15 मिनट 10 मिनट आपको फिर बचाने पड़ेंगे OMR के लिए। कम से कम आपको 15 मिनट OMR भरने के लिए चाहिए, क्योंकि सतर्कता पूर्वक OMR नहीं भरेंगे तो गलतियां बहुत होती हैं। तो वीडियो में बता रहा हूँ आपको वैसे ही भरना है पूरा। तो दोस्तों ऐसी ही बिल्कुल OMR सीट आपके सामने आएगी आपके एग्ज़ाम में। तो सबसे पहले नाम का रहेगा, तो नाम का कोई इशू नहीं रहता है, कोई ज़रूरी नहीं कि नाम वाली OMR सीट है। तो सबसे पहले आपको नाम फिल करना है, तो मेरा नाम जैसे रौनक है, मैंने रौनक लिख लिया। उसके बाद आपको बीच में गैप देना है, अगर आपका कुमार है तो कुमार लिखिए, तो मेरा कुमार तो है नहीं केवल मिश्रा है, तो मैं मिश्रा डाल दिया अपना, ठीक है।
ये मेरा नाम हो गया। अब रो बात बार ही आती है रोल नंबर की, सबसे बड़ी गलती ये होती है आपका रोल नंबर, अगर आपने रोल नंबर नहीं सब सही भरा है तो आप समझ लीजिए एग्ज़ाम से बाहर हो सकते हैं, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा गलती होती है। रोल नंबर जैसे मैंने लिख दिया फॉर एग्ज़ाम्पल एक से नौ तक, तो 5, 6, 7, 8, 9, 10 दस अंक का हो गया। तो इसमें आप क्या करना है, गलती सब लोग कहाँ करते हैं, जैसे आप डायरेक्ट गोला फिल करने लगते हैं तो उससे बहुत बड़ी दिक्कत होती है। तो पहले क्या करना है, एक नंबर जैसे है तो एक नंबर में आपको पॉइंट कर लेना है, फिर दो नंबर कहाँ है पॉइंट कर लेना है, फिर तीन नंबर कहाँ है पॉइंट कर लेना है, चार नंबर कहाँ है फिर आपको पॉइंट कर लेना है, पाँच नंबर कहाँ है पॉइंट कर लेना, छः नंबर कहाँ है पॉइंट कर लेना है हल्का सा, ताकि आपकी गलती हो तो आपको बाद में जब दोबारा फिल करने आए तो एक बार एकदम आपको कन्फर्म हो जाए। 8 नंबर कहाँ है पॉइंट कर लिया, 9 नंबर कहाँ है और 0 कहाँ है ये। तो अब जैसे आप भरने आए तो सबसे पहले क्या देखेंगे, एक नंबर मैंने सही भरा है कि नहीं, तो एक नंबर पे आप फिर ऐसे ऐसे गोला कर दीजिए। यही करना है आपको 2 नंबर पे, एक बार कन्फर्म कर लीजिए मैंने 2 नंबर पे सही रखा है कि नहीं। तो ये जब दो बार आप कन्फर्म करेंगे तो आपकी गलती नहीं होगी, ऐसे आपको सब में करना है। 3 नंबर पे गोला आपको बाहर से अंदर की ओर आना है। तो 4 नंबर को मुझे बनना है तो सबसे पहले किनारे करें फिर देखो अंदर, देखो जहाँ बहुत ज़्यादा आपका समय नहीं बर्बाद होगा। 5 नंबर पे आएगा तो इससे जैसे होगा, आपने कभी गलत टिक लगा दिया है तो आप दोबारा जब भरने आएंगे तो आप कन्फर्म रहें, बस आपको हल्का सा रखना है, ठीक है। अब जैसे आपका डेट ऑफ एग्ज़ाम है, मैंने रख दिया 17 फरवरी 2022। अब यही आप में करना है, 17 फरवरी है तो एक पे मैंने टिक कर दिया, हल्का सा छोटा सा रखना, फिर 7 पे हल्का सा रख दिए, फिर आ जाना है 0 पे कर रख दिए, फिर 2 पे, अब फिर 2022 है तो 2 पे कर दिया, 0 कर दिया, फिर यहाँ 22, फिर यहाँ एक बार आप कंफर्म कर लेंगे। तो एक के सामने मैंने टिक किया ना तो एक ऐसे कर लेना आपको, फिर 7 पे आ जाना है, तो ऐसे अंदर से कर लेना, कंफर्म करते रहना, ऐसे गलती ही नहीं होगी बिल्कुल, और इसकी आपको ज़बरदस्त प्रैक्टिस कर लेनी है। 0 मैंने जैसे टिक किया, 2 पे मैंने टिक किया है, ठीक है, फिर मैंने 2 पे सही किया है, 2 पे मैंने फिल कर दिया, फिर मैंने 0 पे आया तो 0 पे मैंने टिक कर दिया गोला, फिर 2 पे आया मैं 2 पे कर दिया, फिर मैं 2 पे है तो फिर 2 पे कर दिया, ऐसे आपको भरना। आप सबसे बड़ी गलती यहाँ आती है बुकलेट नंबर, बहुत से साथी हैं जो बुकलेट नंबर नहीं भरते हैं तो फिर उनकी समझ लीजिए कॉपी ही नहीं चेक होगी। तो आपका जैसे बुक नंबर क्या है ए, तो ए है तो ए में आपको फिर क्या करना है, ए में गोला कर देना है। तो आपको गोला सबसे ज़्यादा यही करना है, इसमें तो बहुत बड़ा दिया बस छोटा रहता है, तो आपको ऐसे पूरा ए नंबर आपने कंप्लीट कर लिया। अब उसके बाद आती है आपका सेंटर कोड, सेंटर कोड वहाँ आपको पता लग जाएगा क्या सेंटर कोड है, जैसे 02 04 है तो आपके 0 पे टिक करिए हल्का सा, 2 पे करिए, फिर 0 पे करिए, फिर 4 पे करिए, ये आपका तरीका हो गया भरने का। तो फिर आपने 0 पे गोला कर दिया, फिर 2 पे कर दीजिए, फिर 0 पे आप कर दिए अंदर से बाहर की ओर, देखिए बहुत समय नहीं लग रहा है मुझे करने में, तो फिर ऐसे करेंगे, देखो कोई भी गोला मिस्टेक नहीं हो रहा है, ये आपका तरीका। तो बाकी इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी है, इतना ही रहता है आपका रोल नंबर हो गया, रजिस्ट्रेशन नंबर का एक कॉलम आता है, कोई कंपलसरी रहता है तो रजिस्ट्रेशन नंबर भी कभी कभी आता है। तो जितना ये दिया मैंने आपको फिल करके बता दिया है। अब जैसे आपने आंसर टिक करना है, जैसे बहुत से लोग होते हैं जल्दबाजी में गलत कर देते हो, तो आपको आंसर जैसे टिक करना है, जैसे मुझे 1 का B करना है तो हल्का सा जैसे ऊपर किया हल्का सा फिर पॉइंट रख देना है, 2 का D मुझे पता है हल्का सा पॉइंट, ताकि जब आप फाइनल आंसर भरने जाए तो आपको कन्फर्म हो जाए कि मैंने 1 का B भरा है, 2 का मैंने D भरा है, एक बार आपको कन्फर्म हो जाए। जैसे कभी कभी होता कि 2 का C होता है, हमने D गलती से भर दिया, अब उसके बाद आपको करना नहीं, अब ये कोशिश मत करना कि आपको ये जो है गलत हो गया तो इसको मिटाना नहीं, तो कोई मतलब नहीं है, इसको मिटाना है ही नहीं, रबड़बड़ से हो गया जो हो गया, 2 ऑप्शन आपको भरना ही नहीं कि आपने 2 ऑप्शन भर दिए तो वैसे भी आपका वो बेकार ही है। तो ये 2 गलती नहीं करना है कि 2 ऑप्शन, और गोला जब भी भरना है जैसे आपको सबसे पहले किनारे की ओर जाना है फिर अंदर की ओर आ जाएंगे, देखो बहुत समय नहीं लग रहा है तो गोला इस हिसाब से भरेंगे आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, जैसे मैं बता रहा हूँ
31 का आपका ए बी टिक करना है, हल्का से पहले ये रखना है आपको पॉइंट। इस हिसाब से आप करेंगे एक गलती आपकी होने वाली है, कोशिश करेंगे ये चीज़ पेंसिल से करेंगे, अगर पेंसिल नहीं है तो फिर पेंसिल हल्का रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इससे आपके 3-4 क्वेश्चन जो आप गलत कर देते हैं गोला बनने में वो आपके सही हो जाएंगे। नीचे तो आपका अटैम्प्ट वाला तो ये तो ऐसे प्रैक्टिस के लिए, इससे कोई मतलब नहीं। बाकी नीचे आपका कैंडिडेट सिग्नेचर होता है जो आपका हो, तो मेरा जो है मैंने ऐसे कर दिया, ये आपके जो एग्ज़ाम के रहेंगे रूम में वो हॉल वाले वो कर देंगे। ये है यहाँ एक कॉलम छूटा है आपका रजिस्ट्रेशन नंबर का, वो तो आप फिल कर लेंगे जैसे मैंने आपको समझा दिया, आपको ऐसे ही बनना है पूरा बिल्कुल। बाकी जो अगर आपके कोई भी अगर डाउट लगता है तो आप कमेंट जरूर करें। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये सब कुछ समझ में आ गया OMR भरने का, आपको इससे कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है, जैसे मैंने बता दिया सबसे बढ़िया तरीका आपको पॉइंट है टिक कर लेना है, ये सबसे अच्छा तरीका, आपकी गलतियां नहीं होंगी, तो आपको ऐसे ही करना है और ले लेना आपको ऑफलाइन OMR शीट, उसकी अभी से प्रैक्टिस कर लेंगे, आपके पास अभी 15-20 दिन का समय है, तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस होगी, गलती की कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कई ऐसे ऐसे साथी पड़ी हैं जिनका गलतियाँ हो जाती, फिर आपको उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं मिलता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर वीडियो पसंद आया चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।